the boy. गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में प्लेस ढाका। ढाका के बारे में आज मैं आपको बहुत सारी मज़ेदार बातें बताने वाला हूँ जो स्टार्टिंग में मेरे लिए भी शॉकिंग थी, लेकिन अब धीरे धीरे मैं उन चीज़ों का यूज टू हो रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं मुझे बांग्लादेश में आए हुए। और जो सबसे बड़ी शॉकिंग बात थी मेरे लिए कि बांग्लादेश के अंदर अभी भी अपने इंडिया में आजकल तो उतनी रिक्शा नहीं मिलती है। ई रिक्शाओं से पहले जो पैरों से रिक्शा नहीं चलाते थे लोग, उन रिक्शाओं का बड़ा चलन था, लेकिन अब वो गायब हो चुके हैं। लेकिन बांग्लादेश के अंदर वो रिक्शा आज भी मिल जाएंगे आपको, और छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं। यूँ मान लीजिए ढाका के अंदर 10 से 15 लाख लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिक्शा से रिलेटेड है। उसमें फिर आपके रिक्शा चलाने वाले भी आ गए और उनकी फैमिली भी आ गई, मैंने कहीं में पढ़ा था। और उसके अकॉर्डिंग ढाका के अंदर ऑलमोस्ट 10 लाख रिक्शा एग्जिस्ट करती हैं। एक शहर जिसकी पॉपुलेशन 10 मिलियन के करीब हो, यानी 1 करोड़ के, और उसके अंदर 10 लाख रिक्शा होना, ये बहुत बड़ी बात है यार। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अनुषा की बहन से मिलने, क्योंकि अनुषा की बहन यहीं पे पढ़ती है। अनुषा की बहन के साथ मैं थोड़ा ढाका को एक्सप्लोर करूँगा, लेकिन वहाँ तक जाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो बसेस को लूँ, लेकिन बसेस बहुत शोर है साहब, बहुत ज़्यादा शोर है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं बसेस को लूँ, लेकिन बस बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगी। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ के जो लोकल है, लेकिन लोकल आज मैं लूँगा नहीं। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास कि जो यहाँ के ऑटो है, लेकिन मज़े की बात बांग्लादेश के अंदर ऑटो नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं CNG। और ये हो गई यहाँ की रिक्शा, ऑटो को पकड़ते हैं। मस्त कंट्री होने वाली है यार बांग्लादेश। ऑटो वही है जो अपने को दिल्ली और मुंबई में मिलेंगे, नाम यहाँ पे इनका है CNG। अरे आ जाओ ऑटो वाले चचा, आ रहे हैं चचा। मोक बाजार एक हिंदी आता है क्या? एक कितना मोक बाजार दादा? 250 250 चले 250। थैंक यू चाचा। अपनो नाम की? मोहम्मद आलम के आलम। तो 13 से 14 किलोमीटर जा रहा हूँ अभी, और इसके लिए 250 रुपये, 250 टका सॉरी। यहाँ के ऑटो की सबसे मस्त बात पता है क्या है? ये गेट वेट लगे हुए हैं, यहाँ पे थोड़े स्नैचिंग के मामले ज़्यादा होते हैं, तो ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज़ है। बाहर से जाता हुआ बंदा, कोई बाइक पर जाता हुआ बंदा आपके मोबाइल वोबाइल को छीन नहीं सकता है। खुले धड़ाके से व्लॉगिंग कर सकता हूँ, कोई ऐसा डर नहीं है कि कोई कैमरा छीन के ले जाएगा। और कुछ दिखे ना दिखे, आपको रिक्शा हर जगह दिखेंगे। थोड़ी देर में मैं जो ये रिक्शा है ना, इनकी सवारी लेने वाला हूँ। चचा इधर ये देखिए, ये 200 टका। चचा ठीक है, धन्यवाद। ये जो चचा थे ना, ये मस्त बनने थे यार। पता है क्या हुआ, थोड़ी देर पहले हम भीड़ भड़ाक वाले एरिया से जा रहे थे, वहाँ पे सामने से गाड़ी आ रही थी, चचा ने ध्यान नहीं दिया, चचा ने उस गाड़ी के अंदर ठोक दी। चाहे का बम्पर वम्पर, आगे बम्पर होता है क्या जो गाड़ी के एकदम फ्रंट में होता है, फ्रंट में उस गाड़ी वाले को ठोक दिया। पहले गाड़ी वाला एकदम चिल पिल था, लेकिन देखा कि ज़्यादा नुकसान हो गया, चचा के ऊपर गुस्सा करने लग गया चचा, तब भी एकदम चिल्ड आउट। फिर गाड़ी वाला बोलता है कि चचा आप आगे जाके गाड़ी रोक लीजिए। चचा बोलते हैं ठीक है, आगे जाके आए। चचा को रोड खाली मिला, चचा ने गाड़ी रोकी नहीं, एकदम फुल स्पीड में लेके आ गए। वो बेचारा गाड़ी वाला देखता रह गया। यहाँ से लेकर अब तक 5 से 6 बार चाचा के अंदर किसी ने ठोक दी होगी, और 2-3 बार चचा ने किसी के अंदर ठोक दी होगी, और ये सब यहाँ पे नॉर्मल सीन है भाई। अरे भाई साहब, यही हैसल तो चाहिए मुझे लाइफ में। गाइस मीट अंजना, ये है अनुषा की सिस्टर। हाय गाइस, कितने टाइम से पढ़ रही हो तुम यहाँ पे? 2016, 5 साल हो गए। शी इज डूइंग BDS फ्रॉम हियर।
फ्रॉम बांग्लादेश. हो गया है ना कंप्लीट? तो अभी अंजना की इंटर्नशिप चल रही है और मैं अभी अंजना से पूछ रहा था कि यार ढाका के अंदर टोटल कितनी रिक्शाज होंगी. ढाका में कितना रिक्शा होगा टोटल? कोतो रिक्शा आसे? कोतो कोतो रिक्शा आसे? दादा हिंदी जानी? जानी ना. बंगाली अलग है लेकिन समझ में आ जाएगी अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो, क्योंकि जो एसेंस है वो हिंदी वाला ही है. अपन और नाम की, मतलब आपका नाम क्या है? अपन और नाम की अपनार कोतो रिक्शा से जानी ना. दस लाख के ऊपर जी. बांगा बंधु मीन्स बंगाली ब्रदर है ना दादा? जैसे अपने वेस्ट बंगाल में तो दादा दादा चलता है, बांग्लादेश के अंदर लोग मामा बोलते हैं. मामा एंड अप्पा. अप्पा मीन बिग सिस्टर. अप्पा किसी को भी बोल सकता है. गुड बॉय. धन्यवाद. मुझे यहाँ पे मीनेसो से चप्पल खरीदनी थी, वो खरीद लिए हैं और अब हम यहाँ से किधर जा रहे हैं? गुलशन की तरफ जा रहे हैं. व्हाट इज स्पेशल अबाउट गुलशन? अभी अंजना ने मुझे बताया कि इस एरिया के अंदर जो रिक्शा है ना वो थोड़ी अलग है. बाहर का रिक्शा दे ओनली एबल टू कम हियर, देयर आर लाइक डेजिग्नेटेड रिक्शा. बाहर के रिक्शा यहाँ नहीं आ सकते. तो अंजना बता रही है कि जो बाहर के रिक्शा है ना वो गुलशन एरिया के अंदर नहीं आ सकती, तो हर रिक्शा को एक नंबर अलॉट हो रखा है. नंबर प्लस वो जैकेट पहनते हैं ना नंबर की. चचा इज नॉट मामा, चचा. मामा से चचा. चचा चचा नॉट चाचा. चचा यू नो मिर्जापुर? इट्स इन सीरीज ऑन अमेज़न प्राइम. तो उसमें एक डायलॉग है चचा. अब यहाँ पे जो रिक्शा वाले हैं उन सब टाइप के रिफ्लेक्टर पहने हुए हैं, हर बंदे को एक नंबर अलॉट हो रखा है. कैसे हो मामा? ठीक. क्या मनाशे? ये अपनी लूना. क्या बता रहे थे कि रिक्शा में हमेशा वो पैर रखने चाहिए? व्हाई? क्योंकि पीछे से यहाँ तो ट्रैफिक बहुत कंजेस्टेड है, तो टक्कर होती रहती है. बहुत होता है, देयर इंसिडेंट्स वेयर पीपल फॉल डाउन. अरे लास्ट वन शायद तुम्हारी फ्रेंड एक्सीडेंट हो गया था ना? उसका ये हाथ सब स्मैश्ड हो गया था. अंजना बता रही कि यहाँ पे है ना भाई साहब आपस में ना रिक्शा वाले एक दूसरे, रिक्शा ही नहीं पीछे से गाड़ी वाले भी टक्कर मार देते हैं, कंजेशन बहुत ज़्यादा है. जो आपने सुबह सुबह देखा होगा जिस ऑटो वाले भाई साहब के साथ मार रहा था और उस ऑटो वाले अंकल ने दो एक गाड़ी में ठोक दी. दादा केमन आशे भलो आशे. ऐसे कैसे बोलेंगे? आई एम गुड. अभी अंकल जी ठोक देते इसके अंदर. तो जानी एकला चालो रे. रविंद्रनाथ टैगोर. एकला चालो एकला चालो. हाँ तेजानी हमें गुलशन में जो रेस्टोरेंट हमें चाहिए था वो मिला नहीं, तो अभी हम दूसरे एरिया में आया हैं. लेकिन मज़े आ रहे हैं यार, पता नहीं अंदर से फील आ रही कि बस नाउ यू आर फाइंडिंग इट नाइस राइट. यार मज़े आ रहे हैं मेरे को. की खा रही है? दादा की खोबर. थोड़ा एक्सेंट भी सीखना पड़ेगा ना बंगाली का. अंजना अपने हॉस्टल की तरफ चली गई है और मैं जा रहा हूँ वापस से अपने एयरबीएनबी अपार्टमेंट की तरफ. अपार्टमेंट तो क्या, एक रूम बुक किया है मैंने. अभी मैंने एक और रिक्शा ले लिया वापस जाने के लिए. जाने अपने नाम की मोहम्मद इस्माइल होशान. बांग्लादेश की मुझे एक बात पसंद नहीं है यार, और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए स्पेशली गवर्नमेंट को, कि जो गाड़ियों के नंबर होते हैं ना उनके ऊपर जो न्यूमेरिक हैं वो इन्होंने बंगाली में लिखे हुए हैं.
और यू कांट रीड, आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी, आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, सब कुछ बंगाली में है। तो उसको थोड़ा सा जो यूनिवर्सल न्यूमेरिक है ना उनमें कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि अगर कोई बाहर से बंदा आए तो उसको पढ़ने वढ़ने में दिक्कत ना हो कि नंबर क्या है गाड़ी का। अगर मान लो कोई गाड़ी वाला आपको ठोक के चला जाए या फिर आपको ऊबर पकड़नी हो तब आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप नंबर समझ ही नहीं पाओगे कि भाई गाड़ी का नंबर क्या है क्या नहीं है। की बोलते दादा, अभी जिस एरिया में से हम गुजर रहे हैं ये ढाका का वन ऑफ द पॉश एरिया में से आता है। दादा इस एरिया का नाम क्या है? गुलशन टू। आप देख लीजिए पीछे रिक्शा वाले भैया टक्कर मारे जा रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश उतना एक्सपेंसिव नहीं होगा घूमने के मामले में। आने से पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश में ट्रैवल करना विल बी चीपर देन इंडिया, इंडिया से काफ़ी सस्ता होगा। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि बांग्लादेश के अंदर ट्रैवल करना उतना सस्ता नहीं है जितना मैंने सोचा था। अगर आप किसी नॉर्मल से रेस्टोरेंट के अंदर खाओगे ना जिसके अंदर साफ़ सफाई थोड़ी बहुत ठीक ठाक है तो एक बंदे का बिल 500 से 600 आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि मैं अभी तक जो एक्सपेंसिव जगह वहीं पे गया हूँ। इतने लोग नहीं दिख रहे हैं जितने रिक्शा दिख रही हैं यहाँ पर। एक सिटी के अंदर 10 लाख रिक्शा होना बहुत बड़ी बात है भाई। कल शाम को वापस आने के बाद मेरा प्लान था कि मैं आप लोगों को बांग्लादेश की जो करेंसी वो दिखाऊंगा। ये है 1000 टका, 1000, और ये हैं शेख मुजीबुर रहमान फादर ऑफ बांग्लादेश 500 टका, बांग्लादेशी टका, फिर 500, 500, 500, 500, ये है फिर 100 का। और अभी मैं रुका हूँ एक एयरबीएनबी अपार्टमेंट में जहाँ पे मैं पे कर रहा हूँ लगभग 1150 रुपये पर नाइट। यहाँ पे रूम के अंदर एयर कंडीशन है, छोटा सा टेबल मिला हुआ है अगर मुझे थोड़ा बहुत काम वाम करना पड़ता है तो, बाकी सारा सामान बिखरा पड़ा है इधर। ये बांग्लादेश के सारे गाइड रोड मैप हो गए हैं ये, और मज़े आने वाले हैं अब आगे आगे जो धीरे धीरे बांग्लादेश के अंदर मैं एक्सप्लोर करूँगा। मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि बांग्लादेश के अंदर रिक्शा मिलेंगी, लेकिन इतने बड़े अमाउंट में मिलेंगी मुझे ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यार। लगभग यूँ मान लीजिए 500,000 से लेकर 1,000,000 के बीच में ढाका के अंदर रिक्शा एग्जिस्ट करती हैं, और सारी बांग्लादेश की रिक्शाओं को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। और अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो रिक्शाज के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर देयर डेली वेजेस, उनका अमाउंट जाता है 1.5 मिलियन से लेकर 2 मिलियन तक लगभग, और ढाका की टोटल पॉपुलेशन है 1,68,00,000, यानी 16 मिलियन पॉपुलेशन है, और 16 मिलियन पॉपुलेशन में से 10% लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। 1,60,00,000 में से अगर 16,00,000 लोगों की इनकम रिक्शा के ऊपर डिपेंडेंट है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जा रहा है। अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको एक्सप्लोर कर लें। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉइंग योर लाइफ।